हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड ऑन अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक और ग्लास विच इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। द मटेरियल यूजली यूज्ड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेल्यूलोज और सिलिका जेल। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए सबसे पहला हमको जो आवश्यकता होती है वो होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, टीएलसी प्लेट जिसे कहा जाता है। सो टीएलसी प्लेट हम यूज करते हैं। इससे पहले हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक स्पेशलाइज्ड पेपर की आवश्यकता होती है जो कि स्टेशनरी फेस की तरह वर्क करता है। या हम टीएलसी प्लेट लेते हैं जो कोटेड होता है, इसको कोट करते हैं हम सिलिका जेल से या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या सेल्यूलोज से जो कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं। तो इसको हम सिलिका जेल से पहले कोटेड करेंगे, उसके बाद जो हमारा बाकी का जो प्रिंसिपल जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं, बीकर के अंदर हम टीएलसी प्लेट को रखेंगे, उसके बाद जो हमारा सॉल्वेंट है उसको लेंगे। टीएलसी प्लेट में हम सिंपल सा जो एक पेंसिल से लाइन खींचेंगे, उसी वहां पे हम अपना जो मटेरियल जो होगा, जो सैंपल होगा, उसको हम वहां पे रखेंगे। उसके बाद हमारा आगे का एक्सपेरिमेंट होगा जो जो हमारा मोबाइल फेज होगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जिससे मिक्सर जो है, मिक्सर के कंपोनेंट अलग होते जाएंगे टीएलसी प्लेट में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। ईच स्पॉट हैज रिटेंशन फैक्टर्स, आरएफ वैल्यू जो एक्सप्रेस होता है, रिटेंशन फैक्टर हमने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी निकाला जाता है, सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल एंड डिस्टेंस ट्रेवल सॉल्वेंट। तो यह हम जब टीएलसी प्लेट में जो हमारा सैंपल जब यहां पर रन करेगा, टीएलसी प्लेट में रन करेगा, तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स हमको मिलेंगे। तो हर एक स्पोर्ट्स का जो है एक इंडिविजुअल रिटेंशन फैक्टर्स होता है जो हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। जो सैंपल जितना दूर ट्रेवल करेगा उसके जो सॉल्वेंट होगा दोनों को अपॉन करेंगे तो हमारा रिटेंशन फैक्टर निकलेगा। तो यह थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल हम देखते हैं। सो प्रिंसिपल हम जो है ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एंड ये कॉन्सेप्ट भी उसी अकॉर्डिंग ही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसका प्रिंसिपल जो है, थ्योरी पोर्शन आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए वे वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, आपको आई बटन में लिंक मिलेगा। सो इसका प्रिंसिपल जो है, थ्योरी पोर्शन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन प्रिंसिपल। द सेपरेशन रिलीज ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ कंपाउंड टूवर्ड्स बोथ द फेसेस। द कंपाउंड इज द मोबाइल फेस, मूव ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेस। द मूवमेंट अकर्स इन सच अ वे that the compound which have a higher affinity to the stationary phase move slowly while the over compounds travel fast. Therefore, the separation of the mixture is attained on completing of the separation process. The individual components from the mixture appears as spot at ओके सो ये जो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है। हम जो भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टीएलसी प्लेट यूज किया है, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, जिससे ये टीएलसी प्लेट यहाँ पे स्टेशनरी फेस की तरह वर्क करेगा एंड सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेस की तरह वर्क करता है। तो ये हमारा जो सैंपल होगा ये मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस पर रन करेगा, जिससे जो सैंपल के जो मिक्सर है उसके अलग अलग हमको कंपोनेंट्स जो है टीएलसी प्लेट में हमको अलग अलग स्पॉट के रूप में पता चलते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद इसके एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पार्ट भी है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम इसका देख लेते हैं। सो जो ये प्रिंसिपल पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दैट इज रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑन द प्लेट्स, देयर कैरेक्टर एंड नेचर ऑन द आर आइडेंटिफाइड बाय सुइटेबल डिटेक्शन टेक्निक। सो जो हमको जो भी हमारे मिक्सर है, मिक्सर के कंपोनेंट टीएलसी प्लेट में अलग अलग हो जाएंगे, तो इस जो अलग अलग स्पॉट हमको प्राप्त होंगे, अलग अलग कंपोनेंट, उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनका नेचर और कैरेक्टर बाय सुइटेबल डिटेक्शन टेक्निक के द्वारा। ये डायग्राम आप शो ऑफ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो ये हमारा मोबाइल फेस जो हमारा सॉल्वेंट है एंड ये स्पॉटिंग लाइन्स हमको प्राप्त होंगे टीएलसी प्लेट में इस प्रकार, एंड ये टीएलसी प्लेट है एंड टीएलसी चैम्बर, या फिर इसको हम जब टीएलसी चैम्बर में इसको रखा जाता है जो हमारा टीएलसी प्लेट है उसको, और इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है हमको अलग अलग स्पॉट्स मिक्सर के प्राप्त होते हैं।
सो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डेफिनेटली इसको वहां पे ड्रॉ कीजिए क्योंकि यही शो ऑफ करता है प्रिंसिपल को टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट को अगर हम लैब में करते हैं तो हम बीकर भी यूज करते हैं एंड टीएलसी प्लेट को डालने से पहले एक घंटा पहले हम जो सॉल्वेंट होता है उसको पहले यहाँ पे डाला जाता है, इसको ये जो चैम्बर होता है इसको ढक दिया जाता है ताकि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके पोर्स जो है सभी तरफ जो है एटमोसफेयर में इक्वल वे के साथ जो है फैल जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का इंडिविजुअल रूप से जो है हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम में पूछा जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं। सो इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा किसी भी रिएक्शंस जो हो रहा है उसके प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रेजेंट इन अ गिवन मिक्सर। सो कोई भी मिक्सर हमको जो गिवन है, कोई भी मिक्सर हमको गिवन है उस मिक्सर में कोई भी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बेसिक इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि हर एक क्रोमेटोग्राफी में यूज होगा एंड डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसका प्योरिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सिरामिक एंड फैटी एसिड्स को एंड डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स इन फूड एंड वाटर, वाटर में पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड को डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है एंड एनालाइज द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन फोरेंसिक साइंस में यूज किया जाएगा एंड असाइनिंग द रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये एप्लीकेशंस हेल्पफुल हो एंड ये हैंडमेड नोट्स टीएलसी प्लेट का आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स चाहिए सो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको एमएससी लेवल से रिलेटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे नोट्स हैंडमेड नोट्स यूनिट वाइज मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको जो नोट्स मिलेगा वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, कंप्लीट हैंडमेड नोट्स है। सो अगर आपको जरूरत है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज नॉट कंपल्सरी, इफ यू वांट सो यू कैन चेकआउट। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आगे के वीडियोस में हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आपका आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थे इस टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।